हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज यम्मी गर्ल्स में लाई हूँ बहुत ही स्पेशल सुटकेस चिकन पार्सल रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम चिकन सुटकेस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा चम्मच बटर ऐड करेंगे इसमें। अगर आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी ऑप्शन है। बटर से जो है टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने बटर का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिए मैंने एक बड़ी प्याज, जिसको हमने सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा इसका। बस इतनी ही हमें प्याज को कुक करना है, इससे ज़्यादा हम प्याज को नहीं कुक करेंगे। देख सकते हैं सिर्फ हल्की सी सफ़ेद हुई है, थोड़ा सा कच्चापन खत्म हुआ, दैट्स इट। इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, इस तरीके से वॉश कर लेंगे। चिकन के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हमेशा सॉल्ट टू टेस्ट या सॉल्ट नमक ज़रूरत के हिसाब से इसलिए बोला जाता है, क्योंकि अक्सर होता है किसी घर में नमक जो है ना थोड़ा तेज खाते हैं, जैसे कि थोड़ा बढ़ता नमक खाते हैं, और किसी किसी घर में जो है हल्का नमक खाना पसंद करते हैं, कम नमक खाना पसंद करते हैं। तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से हम सॉल्ट जो है इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर लिया है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है हम वो ऐड करेंगे, लिया है एक बड़ा चम्मच। जब तक के चिकन का पानी जो है वो सूख जाएगा, ड्राई आउट हो जाएगा, तब तक के जो है हमारी अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो भी कुक हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, कि इसमें अदरक लहसुन की जो कच्ची महक होती है वो निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कच्ची महक किसी भी खाने में अदरक लहसुन के पेस्ट की रह जाएगी ना, तो खाना आप चाहे कितना भी अच्छा बनाए वो बिल्कुल भी लज्जतदार नहीं होगा, वो महक की वजह से सिर्फ आप नहीं खा पाएंगे। तो आप इसे स्लो फ्लेम पे, आपने क्या करना है, फ्लेम को एकदम स्लो करके इसे कुक करना है, ताकि अच्छे से इसकी महक जो है पूरी निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई आउट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे बारी आ गई है कि हम अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। बेसिक से मसाले हैं, ज़्यादा कुछ एकदम रॉकेट साइंस वाले मसाले नहीं हैं, जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। मैं उसी मसालों का इस्तेमाल करके आपको ये बहुत ही अच्छी सी सुटकेस चिकन रेसिपी बताऊंगी। यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक छोटा चम्मच ऑरिगेनो, एक छोटा चम्मच डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे चिकन का। इतना केमिकल भरा खाना आजकल हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी केमिकल खा रहे हैं, जी रहे हैं और उसी की सांसें ले रहे हैं केमिकल वाली। तो हो सके जितना ना उतना अवॉइड करें कि हम अपने घर में केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। इसीलिए फूड कलर का इस्तेमाल ना करते हुए मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया। इफ्तार में आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तार के लिए। आप यकीन मानिए, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके घर वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे इसे खाकर, आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। ये मैंने ली हूँ एक बड़ा चम्मच केचप, एक बड़ा चम्मच शेजवान चटनी, थोड़ा सा स्पाइस को बढ़ाने के लिए। आप अपने हिसाब से इसे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास केचप अवेलेबल ना हो तो आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच लेंगे रेड चिली सॉस, हमारे घर में स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैंने रेड चिली सॉस ऐड की हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच सोया सॉस। अब इसे बस एक क्विक मिक्स देंगे, इसे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना। अब तो भाई हमारी ये स्टफिंग रेडी हो गई है, इसके बाद में आती है आउटर कवरिंग की बारी। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब हम प्रिपरेशन करेंगे आउटर शीट की। आउटर शीट बनाने के लिए हम ले लेंगे 250 ग्राम्स मैदा, इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे दो अंडे, इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी इतना ही ऐड करना है कि एक थिक सा इसमें जो है ना बैटर बन जाए, उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थिक होनी चाहिए, जैसे डोसा बैटर होता है ना, बस उसी तरीके से
उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पानी का कोई ऐसा फिक्स अंदाज हम अभी नहीं बता सकते। ये शीट की जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ ना, ये वाली शीट आप स्प्रिंग रोल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शीट्स बना कर रख लेंगे और फिर जो स्प्रिंग रोल की स्टफिंग होती है वो रेडी करेंगे और स्प्रिंग रोल की तरह फोल्ड करके फिर से आप फ्राई कर सकते हैं। एक बार आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बस इतनी ही थिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की, ना इससे ज़्यादा पतली करेंगे ना इससे ज़्यादा गाढ़ी। फ्रेंड्स, हमारा पैन जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। पैन गर्म हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे और उस ऑयल को हमें क्या करना है, एक टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। दैट्स इट। शीट्स बनाने से पहले हम गैस को, फ्लेम को जो है वो स्लो कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, बैटर डालना है और बैटर को इवनली सब जगह पे स्प्रेड कर लेंगे। इसको डोसा बनाना भी नहीं आता ना, यकीन मानिए वो भी ये रेसिपी बना लेगा। बस स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए विदाउट स्किप किए और इंशाल्लाह देखना बहुत ही अच्छी टर्न आउट होगी। और इफ्तार में और वैसे भी इवनिंग स्नैक में या फिर आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो इसे बनाकर खिलाइए। बहुत 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 ही उम्दा रेसिपी है ये। आपको मेरी रेसिपी अगर सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरा काम आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपकी मदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ, आपके फ्रेंड्स या फिर कोई ऐसे गाय फ्रेंड्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं ना अकेले रहते हैं या पीजी में रहते हैं, कुक करना नहीं आता, तो उनके साथ में प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरी भी हेल्प कीजिए और अपने रिलेटिव्स की भी हेल्प कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारी शीट्स बनाकर रेडी कर ली है। इस शीट्स को आप स्प्रिंग रोल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रैंकी वगैरह आपको बनाना हो बच्चों को टिफिन में देने के लिए, अब रमज़ान में स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, इवनिंग स्नैक्स बनाने के लिए, तो आप इस शीट्स का इस्तेमाल उस लिए भी कर सकते हैं। खैर, हम तो बनाने वाले हैं सूटकेस चिकन पार्सल इससे। और मैंने मैदे के आटे का इस्तेमाल किया था, आप इसे हेल्दियर साइड में डालने के लिए गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीके से हम हमारे सूटकेस चिकन पार्सल को असेंबल करेंगे। एक बोल ले लेंगे, बोल के ऊपर हमने ये शीट रखा है। शीट के ऊपर मैं मेयोनीज लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो पिज्जा सॉस लगा सकते हैं, शेजवान चटनी लगा सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, क्या फ्लेवर आपको पसंद है। या फिर अगर कोई आप फ्लेवर वाली मेयोनीज लेना पसंद करते हैं तो आप फ्लेवर वाली मेयोनीज ले सकते हैं, जैसे तंदूरी मेयोनीज हो गई, मिंट मेयोनीज हो गई, तो आप जो पेरी पेरी मेयोनीज हो गई, आप जो मेयो लेना पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। ये मैंने होममेड मेयोनीज ली हूँ। और इस तरीके से बस करना कुछ नहीं है आपको, इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से। ये हमारा असेंबल हो गया। प्रोसीजर अभी आगे बाकी है जो बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग और वाव होने वाला है। ये हमने सारे पार्सल्स बना के रेडी कर लिए। अब जो आगे का प्रोसीजर है मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पैन गर्म करेंगे, पैन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। इसमें हम ऐड करेंगे हमारे सारे चिकन पार्सल्स। बीच का जो स्पेस है ना हम एम्प्टी रखेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद हम इस पे लगाएंगे मेयोनीज। फिर इस पे हम ऐड करेंगे प्रोसेस चीज, थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, हम इसे गार्निश करेंगे। लीव्स के ऊपर हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़, फिर से हम उसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स और इसे हम ढक देंगे कि थोड़ी सी भी स्टीम बाहर ना जाए। इसके लिए जो चीज का जो रैपर था तो मैं उसी को जो है इस होल में, लिड के होल में फिक्स कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा भी स्टीम बाहर ना जाए और हमारी चीज जो है अच्छे से फटाफट से मेल्ट हो जाए। आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाने में, शूट करने में और आप तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा पैर दर्द होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप मेरी इस मेहनत के लिए मुझे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑफकोर्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने लव्ड वंस के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में इसे शेयर कीजिए जरूर। हमारी चीज़ हो चुकी है मेल्ट। पहले हम इस कटोरी को बाहर निकालेंगे, ध्यान से करना फ्रेंड्स।
एंड आवर सूटकेस चिकन पार्सल इज रेडी। आप इसे अपनी फेवरेट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको कट करके बताती हूँ ये कैसा लगेगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए आपने बस यूं करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और बस अब इसे बनाइए और खाइए गपर गपर। अल्लाह हाफिज़।